रूपाली, वो मेरी ना चप्पल टूट गई है, तो तुम मेरे लिए भी कुछ चप्पल या शूज ले लो। बेरो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कब तक अपने बिजली के पैसों पे बनते रहोगे? एक तो तुम कोई काम धंधा नहीं करते, ऊपर से मेरी जान खाते रहते हो। ये बैग पकड़ो और चलो यहाँ से। और ये कौन पकड़ेगा? लो पकड़ो। यार रूपाली, मैंने दो थैले पकड़ तो रखे हैं और अपनी चप्पल भी पकड़ रखी है। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम किसी काम के तो हो नहीं और बैग भी नहीं पकड़ोगे मेरा। तुमसे ना कोई काम नहीं हो सकता। एक नौकरी तो तुमसे ढूंढी नहीं जा रही है। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। और चार लोगों के बीच में बैठूंगी तो मैं क्या कहूंगी? मेरा पति क्या करता है? बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता, घर की साफ सफाई करता है। अब अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना रूपाली, जो टाइम में जॉब में दूंगा, मेरे को जॉब नहीं मिल रही वो टाइम में घर पे दे रहा हूँ ना, खाली थोड़ी बैठा हूँ। कूड़ा साफ करना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, खाली नहीं बैठा ना, काम कर रहा हूँ ना फिर भी। अब बेरोजगारी इतनी है तो मेरी इसमें क्या गलती है? तुम बताओ, टैलेंट की कमी थोड़ी है मुझमें कोई। और क्या करोगे तुम? यही करोगे तुम? तुम पे यही काम सूट करता है। और तुम्हें क्या लगता है मैं काम पे भी जाऊँगा, घर का भी काम करूँ? पागल समझ रखा है क्या मुझे? मुंह नटका के खड़े मत रहो यहाँ पे, मुझे अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी पे जाना है। चलो यहाँ से। और ना सुनो मेरी बात, हम बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं अंदर, और वहाँ मेरी बहुत अमीर फ्रेंड्स आई हैं, उनके सामने ज्यादा जुबान मत चलाना, बेइज्जती मत करा देना उनके सामने मेरी। हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा। अरे वीरू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सौरभ, तू यहाँ कैसे? अरे यार कितने सालों बाद दिखा है तू, और बता कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में? कॉलेज में तो यार तू हमेशा फर्स्ट आता था। कुछ नहीं यार, पहले मैं एक रेस्टोरेंट में मैनेजर था, फिर कोविड के कारण उस ऑनर को रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। अब मैं जॉबलेस हूँ, घर पे रहता हूँ, बच्चों को संभालता हूँ, घर बार देखता हूँ, बाकी मेरी वाइफ जॉब करती है मैनेजिंग में। और तू बता, तू क्या कर रहा है आजकल? अरे मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। अरे मैं खुद अपने रेस्टोरेंट के लिए एक मेहनती ईमानदार मैनेजर ढूंढ रहा हूँ, और तुझसे अच्छा इस रेस्टोरेंट को और कौन चला सकता है? और मुझे तो पक्का यकीन है, जैसे तू पढ़ाई में टॉप करता था, या मेरे रेस्टोरेंट की बहुत सारी ब्रांच खुलवा देगा। और मुझे आज भी याद है कॉलेज और स्कूल में ना तू हमेशा सबकी मदद किया करता था, और तुझसे अच्छा इस रेस्टोरेंट को और कोई संभाल ही नहीं सकता। और मेरी बात ध्यान से सुन, तू कल ही इस रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर ले, तेरी स्टार्टिंग सैलरी होगी 1,00,000 रुपए महीना, और साथ में तुझे एक गाड़ी दूंगा जो तेरे को पिक एंड ड्रॉप करेगी घर से। 1,00,000 रुपए महीना? कंपनी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम बोलिए। हेलो रूपाली, जैसा कि तुम्हें पता है हमारी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, इसलिए हम बहुत सारे एम्प्लॉय निकाल रहे हैं, जिसमें से एक नाम तुम्हारा भी है। नहीं 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 मैम, आप मुझे जॉब से मत निकालिए, आपको तो पता ही है मुझे जॉब की कितनी नीड है, मेरे हस्बैंड भी जॉब नहीं करते मैम, प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिए मैम। सॉरी रूपाली, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये डिसीजन कंपनी के डायरेक्टर का है। मैम प्लीज, प्लीज मैम प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए मैम प्लीज। और ये ले 50,000 रुपए एडवांस, पूरे महीने तेरे काम आएंगे। अरे रखना यार। अरे सौरभ, तुझे पता नहीं मुझे जॉब की कितनी ज्यादा जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। पूरी मेहनत और ईमानदारी करके इस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे पूरी इंडिया में 100 ब्रांचेज हो। अच्छा चल, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? बेरोज, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राम बताओ क्या हुआ? वीरू, मेरे कंपनी से मेरे मैनेजर का फोन आया था, कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है, इसने बहुत सारे एम्प्लॉय को जॉब से निकाल रही है, और उसने इसमें मेरा भी नाम है, मेरी जॉब चली गई वीरू। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम ना टेंशन मत लो, इस रेस्टोरेंट में मेरी मैनेजर की पोस्ट पे जॉब लग गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरे शूज को भी अभी फटना था, अब मैं कैसे चलूंगी? कोई बात नहीं, तुम्हारे शूज फट गए तो हम मार्केट से नए सैंडल या शूज ले लेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने एडवांस भी दिया है। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह ताने नहीं मारूंगा। हमारे सोसाइटी में अगर हस्बैंड खाली बैठा हो और वाइफ वर्किंग हो तो लोग बहुत ताने मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है तो कोई कुछ भी नहीं कहता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन वही अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से पैसे मांग ले तो लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। रूपाली, पति पत्नी का रिश्ता सुख दुख में साथ देने का होता है। जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मुझे कितना ताना देती थी, मुझे रोज नीचा दिखाती थी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो खरीद सकती हो, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, और इतना ही नहीं जॉब करने के साथ साथ तुम्हारे घर गृहस्थी में हाथ भी बटाऊंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें खुश रखूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँ,
क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। सॉरी वीरू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन इतना कुछ गलत करने के बाद भी तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। कोई बात नहीं रूपाली, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया मेरे इतने काफी है। वीरू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है। अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, चलो तुम्हारे सैंडल शूज भी तो लेने हैं। मुझे ना ये वाली अच्छी लग रही है, ये नहीं ले क्या? हाँ ये अच्छा है, मुझे पसंद है, ले लो। कितने का है भैया? 2000 रुपए का। ये लो इसको पैक कर दो। आपका लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड आपको खुश रखने के लिए जिंदगी में काफी सारे सैक्रिफाइसेस करता है, तो हमेशा उस सैक्रिफाइसेस को समझे। क्या आपको भी लगता है कि इस वीडियो में सारी गलती लड़के की बीवी की थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।